अगर आप भी अपने एंड्रॉयड फोन के व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना चाहते हो अपने आईफोन के व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, एंड्रॉयड फोन का व्हाट्सएप लेके जाना चाहते हो आईफोन के अंदर और आप चाहते हो आपकी चैट्स भी लॉस्ट ना हो, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ कैसे आपने एंड्रॉयड फोन के व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना है आईफोन के अंदर। डस नॉट मैटर नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, डस नॉट मैटर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना, कैसे आप लोगों ने एंड्रॉइड फोन का डेटा लेके जाना आईफोन के अंदर। चलो वीडियो को शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आए हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आप तक आती रहे। तो यार आप लोगों के सामने ये सॉफ्टवेयर आ जाता है अल्ट फोन ट्रांसफर, व्हाट्सएप ट्रांसफर, व्हाट्सएप को कैसे आप लोगों ने ट्रांसफर करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक होगा वहां पे आ जाना, लिंक के थ्रू आप लोग इस जगह पे आ जाओगे, ठीक है, रिडायरेक्ट होके। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो फ्री विंडो में कर लो, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक में कर लो। तो यार विंडो यूज कर रहे हो तो फ्री विंडो पे यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर, इसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपके पीसी पे एक डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना है, व्हाट्सएप बिजनेस को करना है, आप लोगों ने देख लेना है कि आप व्हाट्सएप कर रहे हो ट्रांसफर या व्हाट्सएप बिजनेस कर रहे हो। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस करने वाला हूँ, उसके लिए मैं व्हाट्सएप बिजनेस पे प्रेस करने लगू, देन आपको यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, दो मोबाइल आ जाएंगे। तो आप लोगों ने अब क्या काम करना है, यहाँ पे अपने पीसी के साथ केबल्स को अटैच कर लेना, डाटा केबल्स को आप लोगों ने अपने दोनों मोबाइल फोन के साथ अटैच कर लेना। देखो आप जैसे ही अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट का ऑप्शन भी आएगा, तो ट्रस्ट पे प्रेस कर देना, लो कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पीसी के अंदर आपके दोनों मोबाइल फोन कनेक्ट हो चुके हैं, सैमसंग का भी हो चुका है, मेरा आईफोन भी हो चुका है। मैं अपने सैमसंग का डेटा आईफोन में लेके आना चाह रहा हूँ, उसके लिए देखो मैंने क्या काम करना है, ट्रांसफर के बटन पर प्रेस कर देना है। देन देखो मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के अंदर जाना है और यहाँ उसके बाद आपको बताया जा रहा है अपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप लोगों ने अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर आ जाना है, यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे आपको यूएसबी फॉर ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रेस करो और यहाँ पे आगे ट्रांसफरिंग फाइल्स के बटन पे प्रेस कर दो, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना, अबाउट फोन आएगा, अबाउट फोन के अंदर आ जाना है, देन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्ड नंबर पे 7 times आपने टैप करना है, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे 7 times टाइप करना है, देन आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपके फोन का, तो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद देखो आपने बैक आ जाना है, अगेन बैक आ जाना और यहाँ पे देखो अबाउट फोन के नीचे डेवलपर ऑप्शन आ गया, पहले सबसे नीचे अबाउट फोन था, अब आपको डेवलपर ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर आ जाते हो तो यहाँ भी देखो सेम स्टेप्स इन्होंने मैं बताए थे, हमने इनको ऑन कर लिया। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखो डेवलपर ऑप्शन होना है तो यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है, जैसे कि आपको पीसी पे दिखाया जा रहा है यूएसबी डिबगिंग को अलो करना है, तो यहाँ पे आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑफ होगा, इसे अलो करके ओके के बटन पर प्रेस कर देना है। तो देखो आपकी यूएसबी डिबगिंग अलो हो चुकी है। इतना काम करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका डेटा ओवर रिटर्न होगा, तो ठीक है आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करोगे तो इस यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है बैकिंग अप व्हाट्सएप बिजनेस डेटा इन दी सोर्स डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे बैकअप लिया जा रहा है आईफोन के अंदर आपके डेटा का। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और काम करना, उसके लिए आप लोगों ने आ जाना अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर ही, यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, देन टॉप पे 3 dots है यहाँ पे प्रेस करना, देन सेटिंग्स है यहाँ पे आ जाना, उसके बाद चैट्स है यहाँ पे आ जाना, चैट्स के अंदर आने के बाद चैट बैकअप होगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चैट बैकअप के अंदर आने के बाद बैकअप होगा और यहाँ पे देखो बैकअप टू गूगल ड्राइव है, यहाँ पे नेवर करना आपने, तो यहाँ पे देखो बैकअप टू गूगल ड्राइव लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपने नेवर के बटन को सिलेक्ट कर देना है, देन आप लोगों ने यहाँ बैकअप के बटन पे प्रेस करना है। अब देखो आप लोगों का बैकअप यहाँ पे बनेगा, तो देखो जैसा कि इन्होंने स्टेप्स में हमें बताया सेम वही हो चुका है, लोकल बैकअप हमारा बन चुका है। तो देखो लोकल बैकअप हमारा बन चुका है, गूगल ड्राइव नेवर आ रहा है, तो यही काम हमने यहाँ पे अपने मोबाइल फोन पे भी किया है, तो ठीक हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे पीसी पे आके कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर दो, तो देखो गेटिंग व्हाट्सएप बिजनेस डेटा फ्रॉम द सोर्स डिवाइस आ रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ अपना सेम नंबर लगाना है जो आपके एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है। नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई का बटन है तो वेरीफाई के बटन पे प्रेस कर दो, देन यहाँ पे आपका नंबर पूछेगा कि यही नंबर है, देन कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर देना। अब देखो अगेन कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है।
जैसे ही वेरीफाई के बटन पे प्रेस करोगे तो आपके एंड्रॉइड फोन से आपकी व्हाट्सएप देखो यहाँ पे जा चुकी है। ओके के बटन पे प्रेस कर दो, देखो व्हाट्सएप आपकी एंड्रॉइड फोन से जा चुकी है। लॉग्ड इन के बटन पे आप लोगों ने यहाँ पे आके प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉग्ड इन के बटन पे प्रेस करोगे ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, आपका व्हाट्सएप बिजनेस डेटा हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम सैमसंग टू आईफोन सक्सेसफुली, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज शेयर इट विद सम मोर। ठीक हो गया, इतना काम आपका हो चुका है। अब आप लोगों ने अपने सिंपल आईफोन के अंदर आ जाना, आईफोन पे देखना आपका आईफोन अपने आप रिस्टार्ट होगा। ठीक है, अपने आप रिस्टार्ट होगा, आप इसे नहीं करोगे, अपने आप रिस्टार्ट होकर चलेगा। जैसे ही चलता है तब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या स्टेप फॉलो करने। देखो हमारे आईफोन के अंदर हमारा डेटा वाईफाई ऑन हो चुका है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आ जाओ, एग्री एंड कंटिन्यू का बटन आपको मिलेगा, या फिर अभी इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ऐप स्टोर से जाके एग्री एंड कंटिन्यू का बटन पर प्रेस करो, सेम मोबाइल नंबर यहाँ भी एंटर कर दो। एंटर करने के बाद डन के बटन पर प्रेस कर दो, उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पर प्रेस करो, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी उसी सिम के ऊपर, तो आप लोगों ने सिम के ऊपर जाके वेरिफिकेशन कोड को ले लेना है। 2 1 ये हमारा वेरिफिकेशन कोड आया, तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो देखो हमारा कोड वेरीफाई हो चुका है, लोडिंग हो रही है। इसके बाद आप लोगों का व्हाट्सअप का एंड्रॉइड का डेटा सारा यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे अपना बिजनेस नेम दे दो, बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, देन नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करो। अगर सिंपल व्हाट्सअप यूज करते हो वो भी सेम मेथड है। ठीक है, नॉट नाउ के बटन पे प्रेस किया, देख लो जो देख लो जो चैट्स आपको यहाँ पे एंड्रॉइड फोन में मिल रही थी सेम चैट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आपके आईफोन के ऊपर भी आपको ये चैट्स देखने को मिल रही है, ये देख लो आपके सामने आईफोन है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। आई होप यार आपने अपने एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप को ट्रांसफर कर दिया आईफोन के अंदर। तो यार कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई इशू आया है उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो।